ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डक 14 मीटर डीप. द रेडियस ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट टू विड्थ ऑफ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. चलिए देखते हैं. एक हमें क्या करना है जी, कुआं खोदना है, वेल खोदना है, जिसका यहाँ पर डायमीटर दिया है और हाइट भी दिया हुआ है या डेप्थ दिया हुआ है कह सकते हैं. ठीक है ना जी. चलिए कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इसको. चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका यहाँ पर 14 मीटर डेप्थ दिया है और डायमीटर 3 मीटर दिया, तो रेडियस 1.5 मीटर हो जाएगा. और इसमें से जो मिट्टी निकल रहा है उसको चारों तरफ इसके फैला कर यहाँ पर क्या किया जाता है, एम्बैंकमेंट बनाया जाता है. ठीक है, इस तरह से चारों तरफ जब फैला देंगे तो. ठीक है ना जी. अब इसके बाद देखिए, तो हमें हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट निकालना है, इसका हाइट निकालना है, जबकि यहाँ पर ये कह रहा है कि ये 4 मीटर वाइड है. इसका हाइट निकाल लेते हैं, एच निकालना है, तो 4 मीटर वाइड है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस होगा ये 4 मीटर में 1.5 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 5.5 मीटर हो जाएगा. यहाँ ले लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ, जो हमें निकालना है हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का जो हाइट है वह हम लोग एच सपोज कर लेते हैं. ठीक है ना जी. अच्छा, इनर रेडियस, इनर रेडियस ऑफ द वेल, वेल का इनर रेडियस स्मॉल आर से जो कि होगा 3/2 मीटर, यानी आ जाएगा 1.5 मीटर. ठीक है, और फिर आउटर, आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, ऑफ द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो ये जो इसमें ये वाइड जो है ये उसको ऐड कर देंगे, यानी 4 मीटर को, यहाँ से रेडियस आ जाएगा 5.5 मीटर. अच्छा, और इसके बाद हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ, हाइट ऑफ द सिलेंडर या वेल, हाइट ऑफ द वेल कितना है, तो वेल का हाइट हम लोग इससे डिनोट करते हैं जो कि है 14 मीटर. तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के, क्योंकि इसी में क्या मिट्टी वहाँ पे फैलाया जा रहा चारों तरफ, तो लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वह इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के. तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट क्या होगा यहाँ पर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, क्योंकि इसका हाइट कैपिटल एच से डिनोट किया हमने, पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर का वैल्यू है यहाँ पे 5.5 का स्क्वायर और स्मॉल आर का है यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर, और इंटू में यहाँ एच इक्वल टू में स्मॉल आर है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 और एच का वैल्यू है यहाँ पे 14. चलिए देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 30.25 और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2.25 इंटू में एच इक्वल टू में आ जाएगा 1.5 इंटू में 4. तो यहाँ से देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 इंटू में एच इक्वल टू 1.5 इंटू में 1.5 और इंटू में 4. तो यहाँ से एच इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू में क्या आ जाएगा जी, तो 1.5 इंटू में 1.5 इंटू में 4 और बाई में 28. तो इसे हम लोग काट सकते हैं 7 टाइम्स में. ठीक है ना जी, ये मीटर में आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2.25 और बाई में 7. चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, हम 2.25 में डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से. ठीक है ना जी, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.32 अप्रोक्स में आएगा, है ना जी, मीटर में, है ना जी, ये मीटर में ही आ जाएगा. तो या फिर आप इसे एक काम कर सकते थे 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करते, देयरफॉर लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट जो होगा, एम्बैंकमेंट का जो हाइट होगा वह हो जाएगा यहाँ से 0.32 मीटर, ये आपका हो जाएगा. ठीक है ना जी, नहीं तो हम लोग इसको ये काम कर सकते थे ऐसे भी, इसको डेसिमल हटा के 100 लेके और इंटू कर देते हम लोग यहाँ पर 100 से, तो सेंटीमीटर में रहते, एच इक्वल टू में आ जाएगा 225/7 इंटू में 100 और 100 ये पॉइंट हटाने के लिए और 100 मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर, इससे ये कट जाएगा. तब इसमें भी डिवाइड करते तो क्या आ जाता है, 225 में अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वही 32.14 अप्रोक्स में सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके ठीक है, जो आपको आसान लगे उसे बनाना है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।